मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने क्लास फिफ्थ मैथ चैप्टर में फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे द फिश टेल। तो हमने कहा था, इसको स्टडी किया था, पेज नंबर 2, ठीक है, वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम क्या हमने पढ़ा था कि एक फिश के बारे में पढ़ रहे थे कि जो छोटी फिश कौन सी होती है एंड बड़ी फिश कौन सी होती है, और जो बड़ी फिश होती है वो छोटी फिश से कितनी बड़ी होती है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि जो सबसे छोटी फिश होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर होती है, एंड बड़ी फिश जो वेल शार्क होती है वो कितनी बताई गई थी, 18 मीटर। एंड नाउ जब उसके वेट के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वेट उसका आई थिंक 16,000 kg, ऑलमोस्ट 16,000 kg के करीब बताया गया था। और फिर हमने एक्टिविटी की थी कि 12 बच्चों को एक के बाद एक ऊपर खड़ा कीजिए और उसका वेट कीजिए। उस वेट के बाद जो उनका वेट होता है वो जो वेल शार्क का वेट था उसमें से क्या करना था, उसको माइनस, ताकि डिफरेंस पता लगे सके एक वेल शार्क का वेट और एक हमारे 12 स्टूडेंट्स का वेट। आगे है पेज नंबर 3, द फिश टेल। सी द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। कि अगर आपको वेल और जो अदर फिश होती है उनके बीच में डिफरेंस देखना है तो आप उनकी टेल की तरफ देखिए। टेल मतलब उनकी पूंछ। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। जो फिश होती है, जो उनकी टेल होती है वो उनकी बॉडी के साथ स्ट्रेट खड़ी होती है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा हो, जो रेड कलर की फिश है उसकी जो टेल है वो उसके बिल्कुल साथ में खड़ी हुई है। बट द टेल ऑफ द वेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs, बट जो वेल की टेल्स होती है वो ऑलमोस्ट लगभग आपको किसकी तरह दिखाई देती है, वो उसकी लेग्स की तरह दिखाई देती है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दिया है वो कुछ यूं है, ठीक है, ये जो दो दिख रहा है आपको ये इसके लेग्स की तरह दिखाई देती है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। क्या आप इस पिक्चर में से उस फिश को पहचान सकते हैं। तो देखिए, जो रेड कलर की फिश है वो नॉर्मल फिश है, और जो वेल फिश दिखाई गई है वो आपकी जो बड़ी फिश है जिसकी टेल है वो कुछ इस टाइप की दिखाई गई है। आगे है स्कूल ऑफ फिश, की मछलियों का स्कूल। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश। की जो बड़ा सा समुद्र होता है उसमें जो मछली झुंड बना के चलती है, कभी आपने पिक्चर में या मूवी में देखा हो, या कभी आपने किसी पिक्चर या कहते हैं ना कि एक सीनरी सी आती है उसके अंदर देखा हो, जो मछलियाँ होती हैं वो एक साथ छोटी छोटी मछलियाँ झुंड बना के चलती हैं। वो क्यों चलती है, ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए चलती हैं, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। इसलिए वो क्यों चलती हैं, वो अपने इस स्कूल में, जो मछलियों का स्कूल होता है वो उसमें अपने आप को क्या सेफ महसूस करती हैं, इसलिए वो झुंड बनाकर चलती हैं। अगर डू यू फील सेफ इन योर स्कूल, तो ये क्वेश्चन ये बन गया है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडरलाइन कीजिएगा इस क्वेश्चन को, कि डू यू फील सेफ इन योर स्कूल, कि आप अपने स्कूल में अपने आप को महसूस करते हैं या नहीं। तो आपको इसका आंसर लिखना है, जो भी आप फील करते हैं, यस आई फील वेरी सेफ इन माई स्कूल। तो इसको आप अंडरलाइन करके आप अपनी नोटबुक में जो भी है उसमें इस क्वेश्चन को लिखिएगा पहले, देन उसका आंसर लिखिएगा। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आते हैं। स्केयर्ड अवे द बिगर फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। जो छोटी मछलियाँ होती हैं क्या करती हैं, बड़ी मछलियों को डराने के लिए अपने बॉडी में क्या करती हैं, पानी भर लेती हैं, ताकि वो उनसे मतलब बड़ी दिखाई दे, ताकि बड़ी मछलियाँ वो डर जाए। तो वो इस तरह से कुछ करती हैं। जैसे इसमें पिक्चर दिखाई गई, 3 पिक्चर है आपको, नॉर्मल मछली है उसमें बाद पानी पीने के बाद वो क्या थोड़ी सी बड़ी होगी अकॉर्डिंग टू पहले से। आगे है, जिनसे यू दी शेप टू मेक ड्रॉइंग ऑफ फिश, नाउ यू आल्सो यूज सम शेप टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शो बिलो। आपको ये कुछ शेप दिखाई, एक बच्ची है जो कुछ कागजों से क्या कर रही है, कुछ कागज से ये पिक्चर बना रही है फिश की। आप अपने घर पर भी इनको बना सकते हैं। और कुछ आपको सी एनिमल दिखाई दिए हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर है सी एनिमल की, तो ये आई थिंक आपने किसी ने देखे हो इनको,
आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 5 पर, विच ऑफ दीज सी एनिमल हैव यू सीन बिफोर। कि आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ दीज सी एनिमल हैव यू सीन बिफोर, कि आपने इन एनिमल जो पेज नंबर 4 एंट्री पर जो एनिमल दिखाई दिए हैं आपको, उनमें से कौन सा एनिमल है जो आपने पहले कभी देखा है। अगर आपने देखा हो तो आपको लिखना है आई हैव सीन ऑक्टोपस, ठीक है। अगर जैसे ऑक्टोपस, आई थिंक ऑक्टोपस देखा हो किसी ने, क्योंकि बाकी जो एनिमल्स हैं सी एनिमल वो आई थिंक नहीं देखे हो, बट ऑक्टोपस ऑलमोस्ट देखा होता है लगभग, तो आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये हो गया कि आपसे पूछा कि विच ऑफ दीज सी एनिमल हैव यू सीन बिफोर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आई हैव सीन ऑक्टोपस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया, जो जो मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, उसके बाद उस अंडरलाइन करने का जो उसका आंसर है वो लिखिएगा। जैसे मैंने आपको आंसर बता दिया आपको ऑक्टोपस, तो वो आंसर लिखिएगा। आगे फिशरमैन इन देयर बोट्स, फिशरमैन कौन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो जो उनकी बोट होती है वो उनकी बोट में किस तरीके से वर्क करते हैं या किस तरह उसका यूज करते हैं। कह रहे हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, मैं क्वेश्चन और आ गया हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, कि आप में से कितने लोगों ने सी देखा है। अगर आपने देखा है तो वो लिखेंगे वेन डिड यू सी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कहाँ देखा है। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ मैनी क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मेनी हैव यू सीन द सी, कि आप में से कितनों ने सी देखा है। तो अगर आपने देखा है तो आप बोलेंगे यस आई हैव सीन द सी, वेयर डिड यू सी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने कहाँ देखा है, वेयर डिड यू सी इट। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, I have seen the sea at Goa beach, यानी मैंने कहाँ देखा है इसको, गोवा बीच पे देखा है। अगर आपने देखा है तो आप लिखोगे yes, I have seen the sea at Goa beach, but अगर आपने नहीं देखा है तो आप नो करेंगे। ठीक है, इस बुक में थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जो आदिवासी में पढ़ रहे थे वो अलग चीज़ थी, एनसीईआरटी लगेगी। उसमें क्या है, स्टोरी के अंदर से आपको जो स्टोरी बता रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, उसी में से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आप क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसको अंडरलाइन करते रहिएगा और साथ ही साथ उसका आंसर भी लिखिएगा। तो ये सारे जो आंसर है वो अकॉर्डिंगली यानी आपके द्वारा ही लिखे जाएंगे कि आपने देखे हैं तो यस, नहीं देखे हैं तो नो, अगर आपने देखे हैं तो कहाँ देखे हैं, कि मैंने गोवा बीच में देखे, एट सीन गोवा, तो आप लिखेंगे एट सीन गोवा। ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आगे डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, क्या आपने, अब एक और क्वेश्चन आ गया कि डिड यू सी इट इन अ मूवी और रियल, कि आपने इसे किसी मूवी में देखा है या रियल लाइफ में देखा है। तो अगर आपने मूवी में देखा है तो आप लिखोगे यस आई हैव सीन इन द मूवी, एंड अगर आपने रियल में देखा है तो आप वही बताएंगे कि जहाँ पर देखा है, आई हैव सीन सी एट गोवा, ठीक है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, कि जो सी है आप क्या कितना अनुमान लगा सकते हैं कि जो सी होगा वो आपका कितना गहरा होगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि आई थिंक द सी वुड बी एट लीस्ट 1000 feet डीप, कितना बताएंगे 1000 feet डीप। क्वेश्चन क्या था कि हाउ डीप डू यू थिंक द शी कुड बी, तो आपने क्या किया, आई कुड थिंक द शी 1000 feet डीप, कि मैं क्या सोचता हूँ कि जो शी होगा वो लगभग कितना होगा, 1000 feet डीप होगा। ये अकॉर्डिंग टू मी है, बाकी आपको जो लगता है आप इतना इमेजिन कर सकते हैं वो इमेजिनेशन आपको यहाँ पर मैंशन करनी है इस आंसर में। ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखो, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा इमेजिनेशन के ऊपर है। क्या कुछ आपसे उसने पहली पूछे हाउ डीप डू यू थिंक, कि आप कितना गहरा सोच सकते हो, तो मैंने तो कितना सोचा 1000 feet डीप, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि कितना 1000 या 10000 या 20000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन डू यू नो हाउ टू स्विम, एक और क्वेश्चन आ गया, वुड यू बी स्केर्ड ऑफ द हाई सी वेव,
कि आपको पता है कि किस तरीके से तैरा जाता है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस एज में बच्चों को पता होगा कि किस तरीके से स्विमिंग की जाती है। तो आप इसका क्या लिखोगे? नो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। एंड अगला है, वुड यू बी स्केर्ड ऑफ द हाई सी वेव? तो आप क्या लिखोगे? यस, आई वुड बी स्केर्ड ऑफ हाई सी वेव। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? डू यू नो हाउ टू स्विम? तो आप क्या लिखोगे? नो, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। अगला क्वेश्चन था, वुड यू बी स्केर्ड ऑफ द हाई सी वेव? क्या आपको समुद्र की लहरें, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, आपने देखी होगी पिक्चर में, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो उनसे डर लगता है? तो आप क्या लिखोगे? यस, आई वुड बी स्केर्ड ऑफ हाई सी वेव्स। हाँ, मुझे समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं उनसे डर लगता है। आगे आइए पेज नंबर 6। फिर एक क्वेश्चन है, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विद वेव राइजिंग हाई। तो आपको क्या करना है कि आपकी आंखों को, आईज को क्लोज करना है और आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक समुद्र के पास खड़े हैं और उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? तो आप क्या पूछ रहा है कि हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? जो आपको अपनी आंखें बंद करने के बाद वेव्स दिखी है वो कितनी ऊंची जा सकती है? तो आप किसका आंसर क्या लिखोगे? आई थिंक द सी वेव्स कैन गो एज हाई एज 50 meters। कि जो मैं सोचता हूँ कि जो समुद्र की लहरें हैं वो लगभग 50 meters यानी 50 meters तक ऊपर जा सकती है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? तो आप क्या लिखोगे? आई थिंक द सी वेव्स कैन गो एज हाई एज 50 meters। कि मैं ये सोच सकता हूँ कि जो समुद्र की लहरें वो लगभग 50 meters ऊंची जा सकती है। आगे, इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। इमेजिन कीजिए कि जो फिशरमैन होते हैं वो अपनी बोट्स के साथ हैं गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि जो फिशरमैन है वो अपनी बोट के साथ है और वो जो समुद्र की लहरें चल रही है वो उसके साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। जब अंधेरा होता है तभी वो अपनी ट्रिप होती है, जहाँ पर उन्हें जाना होता है वो अपनी ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। कुछ लोग होते हैं जो सिंपल बोट होती है, जो लकड़ी की बोट होती है, मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड, जो किसकी बनी होती है? लकड़ी के पट्टों से बनी होती है। इफ द सी इज रफ विद वेरी हाई टाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड देन दिस फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। अगर समुद्र, कहते हैं ना कि उफान मतलब कह सकते हो आप, इसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। अगर समुद्र उफान पे होता है या उसमें बहुत बड़ी लहरें उठती हैं तो जो फिशरमैन होते हैं जो ये नॉर्मल सी बोट लेके जाते हैं उनको आगे जाने में या आगे अपनी जो ट्रिप होती है उसको तय करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। जो ये लकड़ी की बोट्स होती हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं। इफ द वाइंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 kilometers इन 1 hour। कि अगर जो हवाएं होती हैं वो अगर इनका साथ दे देती हैं तो ये बोट्स होते हैं वो लगभग 1 hour में 4 kilometers तक जा सकती है। आगे क्वेश्चन दे दिया, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 10 kilometers। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो 10 kilometers ट्रेवल करने के अंदर वो कितना टाइम लगाएंगे? तो देखिए, अगर 1 hour में 4 kilometers जा रहे हैं तो 2 hours में कितना हो जाएगा? 8 kilometers। फिर आपका बचा कितना? 2 kilometers का बचा, तो उसका हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2.5। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट आज के लिए ये है कि जो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 6 तक, पहला क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द सी एनिमल हैव यू सीन बिफोर, कि आपने कौन सा इसमें से सी एनिमल देखा है? तो अगर आपने देखा है तो आपको लिखना है कि आई हैव सीन ऑक्टोपस, वट एवर जो आपने देखा हो। फिर अगला था, हाउ मैनी यू हैव सीन द सी, आप में से कितने लोगों ने सी देखा है? अगर देखा है तो यस, आई हैव सीन द सी। कहाँ पर देखा है, तो कौन सा प्लेस पर देखा है, वो प्लेस का नाम लिखना है आपको। डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, आपने इसको मूवी में देखा है या रियल में देखा है, तो वो आपको इसमें मैंशन करना है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, तो आपको फिर देखना है कि जो सी होता है आप कितना इमेजिन कर सकते हैं कितना गहरा हो सकता है। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कितना 1000 feet गहरा हो सकता है वो मेरी अकॉर्डिंग है, बट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है कि क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द शी विद वेव राइजिंग हाई, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, ये कितनी ऊंची लहरें जा सकती है समुद्र की, वो मैंने भी बताया था कि लगभग 50 मीटर जा सकती है, 50 मीटर। तो ऐसे ही क्वेश्चन है और इसको आप एक बार जो मैंने बताया था अंडरलाइन करे होंगे आपने, तो उसके साथ अंडरलाइन करके आप उनके आंसर लिखोगे। बाकी जो आगे जो क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे ट्रैवलिंग वाले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।